ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, ठीक है। और जो इंदिरा का राज था वो राज तो गया, इंदिरा के राज में ना महंगाई, लेकिन लोग जो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं, जहाँ बसा दिया वहाँ कॉलोनी बसी रही, लेकिन आज की डेट में तो सब उजड़ रहा है। और बच्चों पे और रोक लगा दी कि दो ही बच्चे पैदा करना, दो बच्चे, इससे क्या, इससे क्या होगा बताओ। इस लड़के का दो बच्चे हैं, कल भगवान के साथ कुछ हो जा तो इससे क्या होगा, हैं? कहाँ जाएंगे वो? और महंगाई इतनी कर रहा है, दो बच्चे के समर्थन में नहीं है? नहीं। कितना बच्चा होना चाहिए? कम से कम उसके पास दो तीन चार तो होने चाहिए, जो इंतजार तो कर ले। क्या काम नहीं है राम मंदिर? काम बता दिए ना उंगली पे। रेलवे, रेलवे का जितना भी प्रॉफिट है, रेलवे बहुत अच्छी सुधार कर दिया है, जितने भी पत्थरबाज थे आजकल खत्म हो चुके हैं। काम करना क्या पत्थरबाज, मतलब समझे नहीं पत्थरबाज? अब आपको पत्थर था उसको नहीं, नहीं नहीं नहीं, जो आप समझ रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। हर चीज में महंगाई महंगाई, अब तो आप किस चीज पर देखे महंगाई? हर चीज में महंगाई है, सिलेंडर पर देखो, साग सब्जी पर देखो, हर जगह से महंगाई है। अब ना कहीं भी सहूलियत, कहीं भी नहीं है सहूलियत। विदेश नीति इसकी अच्छी है, विदेश नीति इसकी सबसे अच्छी विदेश नीति, और अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, अर्थव्यवस्था क्या हाल है, जीडीपी सबसे आगे चल रही है। 100 लाख करोड़ रुपया का कर्जा ले लिया और देश को बिल्कुल गड्ढे में धकेल दिया, अंधेरे गड्ढे में। और हर व्यक्ति पैदा होने वाला कितने लाख का कर्जदार पैदा हो रहा है, ये देश की जनता को अगर सच्चाई बता दें तो पता चल जाएगा मोदी जी कितने दिन सत्ता में रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं हेडलाइन। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में, यहाँ से लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के आने वाले वक्त में चुनाव होना है लोकसभा का, उसमें जो है किस पार्टी का डंका बजने वाला है, क्या फिर से नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, या यहाँ की जो जनता है वो कोई और विकल्प ढूंढ रही है। यहाँ पे आवाम है, इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। चाचा सबसे पहले आपसे जुड़ेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो वैसे गांव के रहने वाले नहीं, रहते हैं दिल्ली में ही। गांव के कौन से गांव के? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, आप ये बताइए कि आपके कैसे चल रहे हैं, सब कुशल मंगल चल रहा है मोदी जी के राज में, या महंगाई का असर दिख रहा है? ना वैसे महंगाई थी, मगर वैसे हमें कोई परेशानी नहीं किसी चीज़ की, जो है सच है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। हमें कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। अब नेकाद ऊंच नीच तो होती रहती है, उसमें क्या दिक्कत है, मगर हाँ ये है कि मतलब कभी मतलब किसी चीज़ की परेशानी आती है तो उसमें तो थोड़ा परेशानी आती है। मोदी जी के काम अच्छे लग रहे हैं आपको, ये लग रहा है कि इस बार बदलाव होने वाला है? नहीं, मेरे को नहीं लगता बदलाव होगा, मेरा तो वही है मोदी। मोदी जी, आप बताइए सर कि मोदी जी के 9 साल कितने बेमिसाल रहे हैं? बेमिसाल ठीक रहे, और जो अन्य प्रधानमंत्री के तहत मोदी जी का जो समय काल बहुत बेहतरीन रहा है मेरे हिसाब से। और कहने का अर्थ यह है कि यदि आगे रहें अगले 5 साल तो ऐसा हो सकता है कि हमारे देश का की तरक्की और बेहतर होगी। हर चीज़ में महंगाई महंगाई, अब तो आप किस चीज़ पर देखें महंगाई? हर चीज़ में महंगाई है, सिलेंडर पर देखो, साग सब्जी पर देखो, हर जगह से महंगाई है। अब ना कहीं भी सहूलियत, कहीं भी नहीं है सहूलियत। सहूलियत हो तो देखी भी जा कहीं भी, यहाँ मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है, लोग ऐसे झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं मोदी? हाँ भैया, हमें तो भैया झूठ इतना बोल रहे हैं, मुझे बदनाम, झूठ भी लगे रहे। आप मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं? हाँ हम बदनाम कर रहे हैं, बताओ जी, बदनाम करते तो भाई यही रहते हैं, जो जायज है जायज है। आप जायज बोलते हैं? जायज जायज है, जायज बोलोगे? जायज बोलेंगे भाई, देखो महंगाई जितनी गरीब आदमी के लिए हर जगह मर रहा, गरीब के लिए वो भी नहीं है कि झाड़ी मिल रही ढंग में। तो दो चार काम मोदी जी के बता दीजिए जो बढ़िया लगा हो। हाँ दो चार काम जो सही है, जो दो चार काम सही करे वो करे, अन्य बाकी तो भैया बढ़िया ही बढ़िया सारे इसमें क्या बढ़िया। आजकल मानवता खत्म हो गई है, महंगाई तो हो ही गई, महंगाई तो 10% बढ़नी बढ़नी है, चाहे मोदी जी आए चाहे और नहीं कोई नेता आए, जब तक मोदी जी आ जाए कोई जाए महंगाई तो बढ़नी है। बिल्कुल, अरे साहब आम जनता को जो सुविधाएं चाहिए, सुबह उठकर आदमी पानी के लिए तरसता है, वो काम तो है सबसे पहले, आदमी पानी तो पिए, पानी के लिए भी आदमी कहाँ कहाँ से ला रहा है, वो समस्या नहीं देखी जा रही लोगों से। और जो देश में आदमी अपना राशन पानी भरता है उसको बेरोजगारी भत्ता किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, सबको दायरे में रखे ना, एक आदमी तो अपना राशन से पूरा घर भर रहा है। फिर भी तो लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी कर रहे हैं ना साहब? देखो सरकार जिसकी है वही जाती है, सरकार जिसकी होती है कर रहे हैं, उसके पास जाती है। आप भी हर हर मोदी कर रहे हैं? अरे साहब मैं तो क्या बोलूँ, तीनों सरकार से मेरा यही कहना है कि मेरा तो किसी ने पहचान पत्र ही नहीं बनाया, मैं तो सबके पास गया हूँ,
कोई पहचान पत्र भी नहीं बना के दे रहा। पहचान पत्र आसान काम है बनना ना। अरे साहब नहीं बन रहा ना। 24 में क्या लग रहा है बदलाव होगा? वो नहीं बना के देते। 24 में बदलाव होगा? 24 का पता नहीं साहब, देखो क्या है क्या नहीं, राजनीति है। आपको क्या लग रहा है चाचा बदलाव होगा 24 में? मुश्किल है, हमें लग रहा है मोदी आ जाएगा गारंटेड उधार लगभग जो बता रहे हैं। लग रहा है आपको मोदी आएगा? देखिए उसकी देखो बात नहीं है, देखो इसकी दो तीन विदेश नीति इसकी अच्छी है, विदेश नीति इसकी सबसे अच्छी विदेश नीति और अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए। अर्थव्यवस्था क्या हाल है? GDP सबसे आगे चल रही है, अच्छा अच्छा चल रहा है इसमें, और क्या इसमें अच्छी चल रही है, और क्या दो चीजों का कारण इसका और आगे जाएगा। कह रहे देश पे कर्जा बढ़ गया है। कर्जा देखो पहले भी चलता रहा, जो बात सत्य है वो आज गुना बढ़ा है 9 सालों में। अरे पहले भी चलता रहा, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो चलता रहा। मोदी जी आ रहे हैं? हम आए साहब से आ रहे हैं। जाइए सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जा, जो जहाँ लग रहा है या तो समा पे करा जा या फिर उन्हें सरकारी करा जा। अब ये बताओ ना तो सरकारी हो रहा है ना समा पे, अब हम सफाई कर्मचारी हमें कितना वेतन मिलता है? वेतन मिलता है कम और आपकी नाराजगी है। हाँ देखिए आपसे जानेंगे, आप ये बताइए कि क्या लग रहा है सब देश में बढ़िया चल रहा है मोदी जी के राज में या सब उल्टा हो रहा है? सब कुछ उल्टा हो रहा है। कैसे उल्टा हो रहा है? ऐसा उल्टा हो रहा है, जनता बेरोजगारी से मर रही है और महंगाई से जूझ रही है और जनता यह सोच रही है कि हम करें तो क्या करें, रोजगार खत्म हो चुका है और जनता की आवाज़ को दबाई जा रही है और तानाशाही चल रही है। महंगाई कितनी भी बढ़ जाए आएगा तो मोदी। अच्छा तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये सब कहने वाला बात है, ये उन्हीं के समर्थक घूम रहे हैं, चार लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, कह देते हैं आएंगे मोदी जी, ऐसा कुछ नहीं। उनको महंगाई नहीं लग रही है? उनको महंगाई नहीं लग रही है तो और आम जनता को तो लग रही है। वो भी तो जनता ही है जो मुझे। अरे वो जनता नहीं है, वो भेदभाव वाले लोग हैं, उन्हें पता नहीं है कि देश कैसे चलाना है। मोदी जी का जो है अमेरिका में डंका बज रहा है, मोदी जी अमेरिका में। अच्छा मोदी जी सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री गुजरे हैं आजाद भारत के, इसलिए डंका बज रहा है, और कोई प्रधानमंत्री सब फेलियर ही रहे, यही 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 प्रधानमंत्री ज्यादा कामयाब है। कौन बना बता दो प्रधानमंत्री, आप बता दो। 6 बार बन जाओ इससे। नहीं नहीं यार जनता ही चुनती है, जनता ही तो चुनती है। जनता ने दूसरी बार चुनाव चुना, चुनाव करवा दिया जब तो जनता चुन रही है। जातिवाद से चुनाव हुआ है? जातिवाद कौन सी जातिवाद चुनाव हुआ था? योगी जब मोदी आपको महंगाई लग रही है? जब महंगाई है मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो स्टेट लेवल देखो यूपी में देखो आप समझ लीजिए योगी ने जितना काम किया दोबारा चुनाव वो जीतेगा, और दिल्ली में केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। मैं आप जो बता रहा हूँ देश में मोदी जी अच्छा काम किया। हाँ मोदी नहीं, मोदी ने देखो कुछ काम गलत किया, मैं कह रहा पूरी नहीं, मोदी ने क्यों प्राइवेटाइजेशन जो कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन जो कर रहा है सरकारी नौकरियां घटा रहा, प्राइवेट नौकरी रहेगी को देखते ही आप पलट गए चाचा। नहीं, नहीं, तो कह रहे तो सब बढ़िया। 100 लाख करोड़ रुपया का कर्जा ले लिया और देश को बिल्कुल गड्ढे में धकेल दिया, अंधेरे गड्ढे में, और हर व्यक्ति पैदा होने वाला कितने लाख का कर्जदार पैदा हो रहा है ये देश की जनता को अगर सच्चाई बता दें तो पता चल जाएगा मोदी जी कितने दिन सत्ता में रहेंगे। हैं जी, और लोगों को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा है, लोगों को अखंड भारत के लिए लोग नारा लगा रहे हैं, लोग हिंदू राष्ट्र के लिए नारा, तो अखंड भारत बना लो, अखंड भारत का तो समर्थन कर रहे हैं, बनाओ तो सही। अखंड भारत से किन्ने रोका है? हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र के, हिंदू राष्ट्र ये लोकतंत्र है, हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? कुर्बानी किसने ना दिया इस देश के लिए आजादी में? हिंदू राष्ट्र का लिए बन जाएगा ये तो सभी ने दिए हैं, फिर हिंदू राष्ट्र का लिए बनेगा देश का? आप समर्थन करते हैं हिंदू राष्ट्र का? नहीं उसमें अभी भी हिंदू राष्ट्र समर्थन नहीं करता, मगर ये सब लोग एक साथ मिलकर रहे, ये है हिंदू राष्ट्र, मतलब ये नहीं कि सब सब यहाँ रहे, हिंदू भी रहे, मुस्लिम भी रहे, सिख रहे, ईसाई। क्या कह रहे हैं? ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, हम सब है भाई भाई, ठीक है। और जो इंदिरा का राज था वो राज तो गया, इंदिरा के राज में ना महंगाई, लोग जो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं, जहाँ बसा दिए वहाँ कॉलोनी बसी रही, लेकिन आज की डेट में तो सब उजड़ रहा है, और बच्चों पे और रोक लगा दी कि 2 ही बच्चे पैदा करना, 2 बच्चे, इससे क्या होगा बताओ? इस लड़के का 2 बच्चे हैं, कल खुदा ना खास भगवान के साथ कुछ हो जा तो इससे क्या होगा? हैं कहाँ जाएंगे वो? और महंगाई इतनी कर रहा है, 2 बच्चे के समर्थन में नहीं है? नहीं। कितना बच्चा होना चाहिए? कम से कम उसके पास 2-3-4 तो होने चाहिए, जो इंतजार तो कर ले। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में तो है, हम 3 जने, 3 बच्चे हैं मेरे। लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या कानून आनी चाहिए, कुछ नहीं है, कह रहे हैं जनसंख्या कानून आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मान ले तुम पर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे खुदा ना खास भगवान कुछ कर दे तो कहाँ जाओगे? तुमने बंद कर लिए अपने बच्चे, चलती बेल कटा दिया। मुसलमानों के ऊपर आरोप लगता है, वो अपनी वो बात है, मुसलमानों के ऊपर आरोप लगता है, आज भी नहीं है मुसलमान के, आज भी बच्चे उतने ही पैदा हो रहे, कोई बच्चे नहीं है। तो
तो जब भी तो कह रहे हम। चलिए देखिए, आप जनसंख्या के समर्थन में हैं। मैं चाहता हूँ कि जनसंख्या का समर्थन तो ठीक है, दो बच्चों का कानून ला करके ये क्या करना चाह रहे हैं देश के अंदर, ये आबादी बढ़ रही है। ये लोग सिर्फ जनता को मुद्दों में उलझा रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दा क्या है देश का? राष्ट्रीय मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, है ना, कितने लोग गरीबी रेखा के अंदर चले गए उस पर बात नहीं कह रहे हैं। मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर से रोजगार मिलेगा? अपने बच्चों को बाबा जी बनवा दें, वो अपने परिवार में बाबा जी बनवा दें, खुद के औलाद हो तो पता लगे मंदिर से क्या होगा और मस्जिद से क्या होगा। रोजगार दो ना, कोई मंदिर जनता बनाएगी? जनता का काम मंदिर बनाया, सरकार का काम है। मोदी जी तो ये कह रहे थे कि रेवड़ी कल्चर वाला नहीं चलेगा, और आप खुद ही ऐलान कर रहे हैं कि हम भी मतलब मध्य प्रदेश में आ गए और राजस्थान में आ गए, कर्नाटक में, तो हम लोग भी ये चीज़ें फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, यात्रा फ्री कर देंगे। क्यों कर रहे हैं रेवड़ी कल्चर का फिर विरोध? मोदी जी कुछ ना कर रहे हैं, देश को घुमा। राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी को क्या आता है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो पप्पू हैं, वो पप्पू है, मोदी जी खुद पप्पू हैं। कहाँ है 600 करोड़ मतदाता? मोदी जी कह रहे 600 करोड़ मतदाता कहाँ है? वो तो जवान फिसल गई ना, तो जवान तो मोदी जवान का ही भरोसा तो नहीं है, जवान से ही तो देश चलता है, जवान से ही तो बेटी बेटा पराया होता है। अब बड़े मोदी के विरोधी लग रहे हैं। मोदी के विरोधी काहे लिए लगेंगे? कांग्रेस वाले पैसा लेके भेजा है। हाँ, पैसा लेके मोदी जी का जो पक्ष ले रहे हैं, मोदी जी ने उनको कितना पैसा दिया है? वो तो मोदी जी के समर्थक है, वो प्यार करते हैं। मोदी जी के समर्थक है तो हम देश के समर्थक हैं, हम भारत के समर्थक हैं, भारत की तरक्की होनी चाहिए, भारत का नाम होना चाहिए। मोदी जी वही तो मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी कर्जा ले रहे हैं और अंबानी और अडानी का पेट भर रहे हैं। चाचा आप ये बताइए, मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं? मोदी भैया हमारे देश के बहुत नंबर एक प्रधानमंत्री हैं। हाँ। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और किसी की नज़र में अच्छे भी हैं, किसी की नज़र में खराब भी हैं। हाँ। और यहाँ केजरीवाल देख लिए। हाँ। कितना काम है केजरीवाल का, गंदा पानी आता है नाले में। हाँ। हम लोग पानी पीने के लिए बोतल का पानी लेते हैं, बिजली कुछ नहीं मिलती है। अच्छा, हम लोग केजरीवाल की बड़ाई करते हैं यहाँ पे, बताओ तो क्या लग रहा है कि आप कुछ होने वाला है 24 में? हर हर मोदी घर घर मोदी हो, हर मोदी घर घर मोदी, ये हर हर मोदी घर घर मोदी 24 में नहीं चलेगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी जब ये देश चलेगा, वरना ये देश नष्ट हो जाएगा कांग्रेस की सरकार ना बनी तो। 5 साल में नमक की थैली हाथ से लेके भग जाएंगे, गेहूं का आटे मोदी जी ने भग जाएगा, है मोदी जी रहेगा तो देश ही खत्म। मोदी जी की वजह से बचा हुआ है, मोदी जी की वजह से बचा। चीन जाने वाले मोदी जी कहां जाने वाले? अमेरिका गए, अमेरिका जाने वाले हैं। मोदी जी ने कोई बढ़िया थोड़ी किया है, राशन नहीं मिल रहा आपको? अरे राशन से क्या मतलब, जगमराएंगे राशन से? रोजगार नहीं मिला आपको? नहीं मिला। सिलेंडर नहीं मिला आपको? अरे सिलेंडर से क्या कर ले, सिलेंडर बारिश होगा वो भरा भी नहीं जा रहा। आपके इलाके में बिजली नहीं मिल रही है, सड़कें नहीं बनी है? बिजली तो मिल रही है, बिजली से क्या करें? तो बोलिए ना मोदी जी, बिजली खाएंगे? मोदी जी बनाने के पैसे देता है क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं चाचा? कह रहा सड़कें बनाने के पैसे देता है, सड़कें बनाने के पैसे देता है मोदी को तू? है तो बिजली यूज नहीं करता क्या? बिजली यूज करते तो पैसे नहीं दोगे क्या? फ्री में यूज करोगे? तो केजरीवाल तो फ्री में दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल। किसने बिजली वाले मुख्यमंत्री दे रहे हैं? किसने क्या बिजली फ्री दे रहे हैं? भाई साहब 200 यूनिट दे रहे हैं जो फॉर्म भर के दे रहे हैं। हाँ। बाकी लोगों को नहीं दे रहे हैं, हम बिल देते हैं, जमा करते हैं हम बिल। अभी फॉर्म भर दीजिए, अभी जरूरत ही नहीं है, फ्री की नहीं चाहिए हमें। फ्री का देख लिया कितना मिल रहा है, फ्री का देश तरक्की नहीं कर रहा है, फ्री देके लालच दे रहे हैं लोगों को और कुछ नहीं दे रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं फ्री बोल के। कोई भी पार्टी अगर फ्री दे रही तो देश को बर्बाद कर रही है। ये कह रहे हैं कि फ्री की रेबरी हमें नहीं चाहिए, मोदी जी के समर्थक लग रहे हैं, कह रहे हैं हम फ्री का रेबरी नहीं चाहिए। हम फ्री के समर्थक नहीं है। क्या छोड़िए, फ्री में आप बिजली, फ्री में पानी लोगे तो देश में तरक्की कहाँ से होगी? है भाई, देश में तरक्की चाहिए और क्या चाहिए? फ्री में, फ्री से तरक्की मिलेगी? मोदी जी तरक्की, तरक्की नहीं हो रही है क्या? डंका बज रहा है ना मोदी? बिल्कुल बज रहा है और क्या, मोदी जी का डंका बज रहा है। आपसे भी जानेंगे चाचा, मोदी जी का डंका बज रहा है? हाँ बज रहा है। क्या तो हमारे यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या एक मिनट क्या कह रहे हैं? मोदी और योगी दोनों रहना चाहिए भाई, मोदी और योगी दोनों रहना चाहिए। चलिए चाचा, देखिए बस वाले हैं, कह रहे हैं मोदी और योगी रहने चाहिए। मोदी जी का काम बढ़िया है या लग रहा है कि महंगाई हुई बढ़ गई है? नहीं, बहुत अच्छा काम है। तो दो चार पांच काम बता दीजिए उंगली पर, बताइए। नोटबंदी
सबसे पहला काम अच्छा हुआ नोटबंदी को, बहुत अच्छा हुआ। विमुद्रीकरण लॉ के चैप्टर में है, उसको पढ़ना चाहिए, हर 10 साल में होनी चाहिए थी, नहीं करी पिछली गवर्नमेंट ने, नहीं करी। इस बार लोगों को लग रहा है कि बहुत गलत काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, पहले हो जाना चाहिए था। तो नोटबंदी क्यों किया गया था, मकसद क्या था उसका? अरे इसलिए, लेकिन भैया भैया ही बता रहे हैं आप, सुनो, ब्लैक मनी बाहर आ जाना, बाहर कितना बाहर आया ब्लैक मनी? एक भी नहीं आया, नदी में अंदर बंद थी जो करेंसी, आजकल सेफ में जमीन में इनमें बंद थी करेंसी को पब्लिक में चलाने के लिए, उसको रोटेशन में लाने के लिए आर्थिक वो फायदा हुआ है। और दो चार काम मोदी जी का बताइए, और क्या काम नहीं है? राम मंदिर काम बता दिए ना उंगली पे, जितना भी सामान पकड़ लेता हूँ उंगली, हाँ तो मैं, अरे बता दीजिए ना, रेलवे का जितना भी प्रॉफिट है, रेलवे बहुत अच्छी सुधार कर दिया है, जितने भी पत्थरबाज थे आजकल खत्म हो चुके हैं, जितना आप भी बोलो, और क्या काम करना, क्या पत्थरबाज मतलब समझे नहीं, पत्थरबाज अब आपको जो पत्थर था उसको नहीं, नहीं नहीं नहीं, जो आप समझ रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? जो पहले ना, जो पहले पत्थरबाज था उनको घर में बुलडोजर चला दिए, बस वही कर रहे हैं। अब कोई पत्थर नहीं आ रहा, अब कोई पत्थर की घटना नहीं आती। जम्मू कश्मीर से, पाकिस्तान से जो आतंकवादी घटनाएं होती थी पिछले, कितनी आतंकवादी घटनाएं सुनी आपने? पाकिस्तान वाले पत्थर फेंकते थे, अरे फेंकते, आपको पता नहीं है कि नहीं फेंकते थे? कितनी घटनाएं होती थी, कितने अभी एक रैली देखे थे कहीं पे, जो है कोई स्टेट का मेरे जहन में नहीं आ रहा है, वहाँ पे हमने ये देखा कि बीजेपी कार्यकर्ता पत्थर फेंक रहे थे। कहाँ पर? झारखंड में। हाँ हुआ, उसके ऊपर पत्थर पार्टी, पर्टिकुलर हुआ होगा, उसके लिए भी किया गया, जो गलत हुआ है उसके लिए भी गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा नहीं है। हम आपके बात को भी समझ रहे हैं, आप किसको कह रहे हैं? नहीं आप समझ रहे, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हम, वो गलत नहीं है। सिलेंडर 1100 का हो गया, कर्नाटक में 500 का, कांग्रेस की सरकार है, 500 का सिलेंडर कांग्रेस में, तेल 200 रुपए हो गया, आटा 40 रुपए हो गया, चावल 60 रुपए हो गया, भाई बेड़ा गरक हो गया देश का, बेड़ा गरक हो।